आइए अभी बनाते हैं मटन खीमा। और इसके लिए ये तीन टमाटर जो है मैंने इस तरह से काट के ये ब्लेंडिंग जार में डाल दिया, और इस पे 1 इंच का अदरक का टुकड़ा इस तरह से कटा हुआ इसके अंदर, और डालेंगे इसके अंदर 4 हरी मिर्च इस तरह से कटी हुई, और इसके ऊपर डालेंगे काफ़ी सारा धनिया पत्ता, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, और इसका एक बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। आइए अब एक बाउल में मैंने जो है 250 ग्राम खीमा, 1 क्वार्ट मिंस्ड मीट लेके पानी में अच्छे से साफ कर लिया है 2-3 पानी से, और इस तरह से मिक्स कर लिया ताकि इसमें लम्स ना रह जाए। याद रखिए पहले से इसको इस तरह से जो है अच्छे से क्लीन कर देंगे और चला लेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ और लम्स ना रहे खीमे में, क्योंकि काफ़ी कंप्लेंट्स आती है कि भाई खीमे में लम्स रह जाती है, तो यही रीज़न है। इसको पहले से ही इस तरह से ब्लेंड कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ही ना रहे। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। ये मटन खीमा बनाने के लिए एक तेल में मैंने जो एक कढ़ाई में तेल ले लिया है, और आप उतना तेल लेंगे जितना आपकी हेल्थ आपको परमिशन देती है उतना आप तेल या घी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डालूंगा ये 2 बड़ी काली इलायची, 2 तेज पत्ते, और 5 इलायची है, 5 लौंग है, 5 ब्लैक पेपर है, और 1 छोटा सा टुकड़ा सिनेमन स्टिक का है। ये 1-2 मिनट तक रोस्ट करने के बाद, फ्राई करने के बाद इसमें 1 टीस्पून के आसपास ये जीरा डालेंगे राइस के अंदर, ज़्यादा नहीं रोस्ट करेंगे, हल्का खुशबू आने तक ही करेंगे। और 250 ग्राम यहाँ पे मैंने प्याज इस तरह से बारीक कटी हुई वो डाल देंगे। आप कैसे भी कटिंग रख सकते हैं, स्लाइस कर, रफली चॉप, या जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन याद रखिए जितना मटन ले रहे आप उतना ही प्याज लेंगे। आप बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जितना क्वांटिटी मटन का है उतना ही हम जो है प्याज भी लेंगे। ये 3-4 मिनट तक प्याज को फ्राई करते हुए हो गया है, प्याज हमारी लाइट ग्रीन हो चुकी है और मसाला से खुशबू भी आना शुरू हो गई है। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे ये वाला चम्मच गार्लिक, लहसुन डालेंगे इसके अंदर, मिक्स कर लेंगे। लहसुन डालते हुए 2 मिनट हो चुका है, तो अब जो है इसमें हमारा ये जो ग्रीन मसाला हमने पीस के ग्रीन किया था ये इसके अंदर मिला देंगे, और इस पे ये कोर्सली ग्राइंड दड़दड़ा पिसा हुआ धनिया डाल देंगे, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे जब आप खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मैंने एक कूटी में इसको कूट के डाला है, और इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आइए पकते हुए लगभग 3-4 मिनट और हो चुकी है, तो अब ड्राई मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले डालेंगे 1 टीस्पून के आसपास ये जीरा पाउडर, और डालेंगे धनिया पाउडर ये लगभग 2 टीस्पून के आसपास धनिया, और थोड़ा सा पिंच हल्दी का, टर्मरिक, और तीखा जितना भी आप पसंद करते हैं उतना जो है ये लाल मिर्च का पाउडर आप ऐड कीजिए। मैंने पहले भी यहाँ ग्रीन चिली यूज़ की है, तो थोड़ा डालेंगे, और थोड़ा सा अभी से डाल देंगे ये गरम मसाला, और अच्छे से मिक्स करके इसको 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। ये 5 मिनट हो चुका है, और ये बर्तन पे मैंने कवर लगा लिया था वो हटा देंगे, और चला लेंगे एक बार। अच्छे से कुक हो चुके हैं मसाले, तेल पूरा ऊपर आ चुका है, तो ये 250 ग्राम जो खीमा लिया था मैंने वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसको अच्छे से चला लेंगे। दो मिनट के बाद खीमा हमारा अच्छे से मिक्स होकर थोड़ा अच्छा कुक कर लिया है, तो अब नमक डालेंगे, आपके स्वाद के अनुसार नमक डालिए अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक रहेगा इसके अंदर, और चला लेंगे, और ढक्कन बंद करके इसको 5-4-5 मिनट और कुक करेंगे। 4 मिनट के बाद ये जो है बर्तन से कवर हटा लेंगे, और अब इसमें डालेंगे ये 150 ग्राम ग्रीन पीस मटर जो मैंने बॉईल करके पहले से ही रेडी रखा था, तो ये ग्रीन पीस इसके अंदर ऐड कर देंगे और मिक्स करके अब इसको हम 5 मिनट तक कुक करेंगे, जिससे हमारा खीमा जो है रेडी हो जाएगा। आइए 8-9 मिनट हो चुकी है, और देखते हैं हमारा खीमा जो है एकदम अच्छे से पक चुका है। वाह, बहुत ही एरोमेटिक और खुशबूदार है ये खीमा हमारा,
बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। आई कांट वेट। ये जो है हमारा रेडी है ना। अब ऊपर से थोड़ा सा हम इसमें एडिशनल है, ये स्किपेबल है, अगर आप चाहे तो डाल, अदरवाइज नहीं, एक कसूरी मेथी इसके अंदर डाल देंगे ऊपर से, और थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ता काफ़ी सारा, आधा बज तो मैं डाल डाली दूंगा इसके अंदर, मगर भी गार्निशिंग के लिए इतना ही। तो ये रेडी है, गैस बंद कर देंगे और रेडी है हमारा ये मटन खीमा, बिल्कुल होममेड, और ढाबा होटल रेस्टोरेंट से भी बहुत अच्छा और बेस्ट क्वालिटी वाइज बनाया हमने, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इसको और मुझे बताइए कैसा लगा आपको। आइए खीमा को जो है हम एक बाउल में निकाल लेते हैं, पेशाब कर लेते हैं। बहुत ही लाजवाब और टेस्टी खीमा बना है, आप घर पे जरूर ट्राई कीजिए। क्योंकि कुछ चीजें जो है हमने नहीं ऐड की है, जैसे होल अखा धनिया, खड़ा धनिया, अगर वो आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, और तेल भी आपको जितना अच्छा लगे उतना आप तेल डाल सकते हैं, जितना आप हेल्थ कॉन्शियस है, जितना पसंद करते हैं उतना आप ऑयल डालिए, नो प्रॉब्लम, घी भी डाल सकते हैं। तो ये रेडी है हमारा मटन का खीमा, आप गरम गरम सर्व कीजिए।